हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। तुसी सारे ठीक ठाक होवोंगे अपने घर। और आपां छोटी जी ब्रेक तो बाद फिर तो अपनी स्टडी शुरू करते हाँ। सो अज आपां पंजाबी दे विच करांगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है तुलसी। सो ये तुलसी एक बूटे की गल की गई है कि वह साडे लिए किन्ना गुणकारी हुंदा है, किन्ना लाभदायक हुंदा है। सो इस दे पोएम दे थ्रू सानू वह सब कुछ दस्या गया है कि तुलसी का बूटा साडे लिए किन्ना जरूरी है। आओ हुण आपां पोएम रीड करते हाँ। पोएम रीड करन तो पहला तुसी डेट जरूर मैनशन करनी है कि किस दिन आपां एक काम किया है। सो आओ हुण आपां पढ़िए। तुलसी दा एक बूटा लगा वेड़े दे विचकार, कि तुलसी का जो बूटा है वह साढ़े वेड़े दे विचकार लगा होया है, साढ़े घर दे विच लगा होया है। मेरे घर दे जीयां दा है इस दे नाल प्यार, कि साढ़े घर विच जिन्हें भी फैमिली मैंबर हैं वह सारे इस बूटे नूं बहुत ही प्यार करते हैं। जिवें कि तुसी इस पिक्चर विच देख सकते हो कि एक वेड़े दे विच तुलसी का बूटा लग्या होया है और एक औरत या फिर माँ कह लो कि जो इसकी पूजा कर रही है। सो इस बूटे दे नाल साढ़े फैमिली मैंबर का बहुत ही प्यार है। मेरी माँ ने मैनू दसे तुलसी दे उपकार, कि तुलसी साढ़े लिए किन्नी गुणकारी हुंदी है या लाभदायक हुंदी है साढ़े लिए। मैनू मेरी माँ ने इस दे बारे दस्या सी, इहदे हुंदियां घर दे अंदर आउंदा नहीं बुखार, कि जेकर साडे घर विच तुलसी दा बूटा लग्या होया है तां सानू कदे भी बुखार नहीं आऊगा या सानू कदे भी बुखार नहीं चढ़ूगा। मैं की जाना क्यों करदे ने लोकी इस दी पूजा, कि मैनू नहीं पता है कि जो लोगों इस दी पूजा क्यों करदे हन। कहो हकीम या वैद कहो जां तुलसी डॉक्टर दूजा, कि इसनू हकीम कहा जावे, वैद कहा जावे, डॉक्टर कहा जावे या दूजा डॉक्टर कहा जावे, तां इसनू डॉक्टर कहना गलत नहीं होवेगा, क्योंकि इस दे नाल बहुत ही दवाइयां बनदियां हन अते ए एक प्रकार की दवाई ही है जो साडे लई लाभदायक हुंदी है जदों असी बीमार हुंदे हाँ। सर्दी विच अक्सर हो जांदा खांसी अते जुखाम, कि सर्दियां दे विच अक्सर सानू जुखाम भी हुंदा अते खांसी भी हुंदी है, पर तुलसी दियां पत्तियां खा के आ जावे आराम, कि तुलसी दियां पत्तियां खा के सानू खांसी अते जुखाम तो छुटकारा मिल जांदा है। कदे ना भुलना वेड़े दे विच बूटा इसदा लाउणा, कि सानू घर दे विच तुलसी दा बूटा जरूर लाउणा चाहीदा है, क्योंकि एक तरह दी दवाई ही है या दवाई कह सकते हाँ कि जो सानू बहुत ही बीमारियां तो बचाउंदी है, जिवें कि सर्दियां दे विच जुखाम या खांसी हो जाती है, इस दियां पत्तियां खाण नाल सानू बहुत ही आराम मिलता है। सो सानू तुलसी दा बूटा जरूर लाउणा चाहीदा है। इहदे हुंदियां डाक्टर बच्चों कदे ना पउ बुलाउणा, कि जेकर साडे घर विच तुलसी दा पौधा लग्या होया है, तुलसी दा बूटा लग्या होया है, तां सानू कदे भी डाक्टर दी लोड़ नहीं पऊगी, क्योंकि असी इस नू दूजा डाक्टर कहीए ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੌਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਜੋ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।